माना बहाना दाखव तू निगेटिव आहे मतदार संघात तू निवडून नाही येत तुझा रिपोर्ट हे आहे आणि हे कारण देऊन मला त्यावेळेस पण डावडलं तू थांब मी थांबला प्रामाणिकपणे प्रत्येक वेळेस गावीतला एक्झिस्ट कळलं आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते मतदारसंघात चांगलं काम केलं दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजनीति में जो एक दिन हंसता है क्या मालूम कब उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि उसको रोने की नौबत आए। जिसके सर एक दिन जीत का सहरा बनता है न जाने कब हारने से पहले ही उसकी हार हो जाए। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है पालघर जिले की पालघर विधानसभा सीट से जहां के वर्तमान विधायक श्रीनिवास रंगा को आप इस वीडियो में रोता हुआ देख सकते हैं और उनके रोने के पीछे के कारण जो है वो बड़े ही दिलचस्प है। अब इनके साथ एक गेम हुआ इसमें जो बड़े गेमलर है वो गेमलर और कोई नहीं क्षेत्र के पूर्व विधायक पूर्व सांसद है। एक सांसद की वजह से एक विधायक यहां रो रहे हैं। आपको सुनने में अटपटा लगेगा अजीब लगेगा लेकिन यह हकीकत है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पालघर के सांसद राजेंद्र गावित के नाम पर पालघर विधानसभा सीट का टिकट महायुति से फाइनल हुआ और यही चीज श्रीनिवास वनगा को अखरी है जो कि वर्तमान विधायक थे और इस पर श्रीनिवास वनगा बकायदा रोने लगे। उनका परिवार भी आहत हुआ है। अब आप सभी जानते हैं 2018 के बाद से पालघर में क्या क्या हुआ है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 2018 में जनवरी महीने में श्रीनिवास वनगा के पिता चिंतामण वनगा का स्वर्गवास हुआ जो सांसद थे तब भारतीय जनता पार्टी से थे और सांसद थे। उनका स्वर्गवास होने के बाद वो सीट खाली हुई तो 2018 के मई महीने में पालघर में उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में श्रीनिवास वनगा की यह तमन्ना थी कि वो चुनाव लड़े और तब महायुति हालांकि स्टेट में राज्य में दोनों ही महायुति में थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए। उस समय श्रीनिवास वनगा को उद्धव ठाकरे ने अपने पक्ष में लेकर शिवसेना में पक्ष प्रवेश कराया और उनको तुरंत सांसद का टिकट दिया और उनको वहां से चुनाव लड़वाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा चेहरा मिला नहीं तब भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र गावित जो कि पहले कांग्रेस में थे विधायक रह चुके हैं बल्कि राज्य मंत्री रह चुके थे राज्य सरकार में उनको अपने पाले में लिया और उनको अपने टिकट पर बीजेपी ने 2018 में उतारा। तब 2018 में राजेंद्र गावित जीते और एक साल बाकी था सिर्फ लोकसभा चुनाव आम चुनाव 2019 को। अब अगला साल 2019 में जब आम चुनाव आए तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति हुई और उस महायुति में यह तय हुआ कि यह सीट शिवसेना के खाते में जाएगी। तब राजेंद्र गावित जो पहले कांग्रेस में थे उन्होंने कांग्रेस से पलटी मारी बीजेपी में। अब टेक्निकल रूप से वो जो चेंजेस हुए उसको लेकर उन्होंने फिर पलटी मारी और वो शिवसेना में गए। राजेंद्र गावित ने शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया और शिवसेना ने उन्हें वहां वो सीट दे दी। तब श्रीनिवास वनगा थोड़े मायूस जरूर हुए लेकिन उनको उद्धव ठाकरे ने श्रीनिवास वनगा को ये वादा किया कि तुम्हें विधानसभा चुनाव में मैं अपना प्रत्याशी बनाऊंगा
और तुम्हें विधायक चुनकर लाऊंगा। तो श्रीनिवास मनका उन्होंने भी यही इच्छा जाहिर की कि मुझे केंद्र की राजनीति से राजनीति में जाने के बजाय स्टेट की राजनीति में रहना है। अब 2019 लोकसभा चुनाव हुए, पालघर में राजेंद्र गावित अच्छे खासे मार्जिन से जीते। उसके बाद 2019 में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव आए और उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना अविभाजित शिवसेना के पक्ष प्रमुख हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे ने अपने वादे को निभाते हुए श्रीनिवास वनगा को पालघर से विधानसभा का टिकट दिया और श्रीनिवास वनगा चुनकर आए। श्रीनिवास वनगा तब से 5 साल से विधायक है, लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। खेल में फिर बाजी पलटी 2022 में, जो एक बार फिर शिवसेना बीजेपी ने शिवसेना को जो तोड़ा, उस टूट में श्रीनिवास वनगा ने भी उद्धव ठाकरे के एहसान को बुलाते हुए पलटी मारी और चले गए शिंदे को। और राजेंद्र गावित तो पलटी मारने में पहले से ही माहिर थे ही, तो इस बार भी उन्होंने पलटी मारी, वो भी शिंदे गुट में गए। शिंदे गुट में गए तब से 2.5 साल से सरकार चली आ रही थी। राजेंद्र गावित चूंकि इस केंद्रीय सरकार में सांसद थे, केंद्र सरकार में थे, सिर्फ उनका पाला चेंज हुआ था, शिवसेना असली और नकली में फंसे हुए थे। और श्रीनिवास वनगा भी कुछ ऐसे ही शिवसेना असली कौन नकली में फंसे थे, लेकिन उद्धव गुट से शिंदे गुट में पक्ष प्रवेश कर गए और उनके साथ वो खड़े थे जो आज महायुति में भी सरकार में थे। अब 2019 का ये चुनाव, 2024 का ये चुनाव आ चुका है, जिसकी पूरी तैयारियां चालू है, नामांकन वगैरह सब हो चुका है। अब 2024 के इस चुनाव के पहले, कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनाव हो जाए, इस बार बीजेपी ने राजेंद्र गावित के खिलाफ जो असंतोष था उसको देखते हुए बीजेपी शिवसेना ने इस बार राजेंद्र गावित के ऊपर दाव नहीं खेला। और इस बार की शिवसेना, जो शिवसेना शिंदे गुट है, दो गुट हुई, उसमें उद्धव गुट बीजेपी के साथ नहीं है, आप जानते हैं। उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के साथ है और शिंदे गुट बीजेपी के साथ है। शिंदे गुट इतना मजबूत नहीं है, यह भी बात आप जानते हैं। तो इसी सब चीजों को देखते हुए बीजेपी ने शिंदे गुट से वापस ये सीट अपने में ले ली कि भाई हमारे ही यहां कैंडिडेट रहेगा, क्योंकि पहले भी हमारा ही कैंडिडेट जीता रहा है। तो शिंदे गुट जो कि बीजेपी के सामने काफी बोना है, उसको मानना पड़ा और उन्होंने वो सीट छोड़ दी। और महायुति में इस बार राजेंद्र गावित का टिकट कट हुआ, उनकी जगह डॉक्टर हेमंत सावरा को टिकट मिला। तब राजेंद्र गावित आहत हुए और उन्होंने एक बार तो ऐलान कर दिया था कि वो अपना अपक्ष नामांकन भरने वाले हैं, ऐसी खबरें चलने लगी थी और असंतोष उनका साफ तौर पर दिखाई रहा था। आखिरी क्षण वो टिकट की मांग कर रहे थे, तब पार्टी ने उनको समझाया और उनको बताया कि आप रुकिए, अभी आप केंद्र की राजनीति से रुकिए, आपको स्टेट में हम बड़ा कुछ देंगे, उनको ये वादा किया गया। तो लोकसभा चुनाव में राजेंद्र गावित असंतुष्ट होने के बाद भी फिर साथ में आए। हाँ, लेकिन एक बार फिर राजेंद्र गावित ने अपना पाला चेंज करते हुए शिंदे गुट को टाटा बाय बाय बोल के बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद सांसद हेमंत सावरा जीत गए और अब विधानसभा का मौका आया। तब अब विधानसभा के मौके में फिर एक बार यहां पे वही झगड़ा सामने आया कि पालघर सीट से आएगा कौन। तो पालघर सीट महायुति के हिसाब से शिंदे गुट के अंदर गई और शिंदे गुट की तरफ से जो अभी निवर्तमान विधायक है श्रीनिवास वनगा, उनको ही उम्मीद थी कि मुझे दोबारा चांस मिलेगा, लेकिन उनके साथ खेला हो गए। उनकी जगह पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को वो सीट दे दी गई। हालांकि राजेंद्र गावित ने एक बार फिर पलटी मारी, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में गए थे, इस बार फिर शिंदे गुट में आए और शिंदे गुट में आने के बाद में उनको वो टिकट फाइनल हुआ, उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। इन्हीं सब बातों से आहत हुए श्रीनिवास वनगा, उनका दुख मतलब फूट पड़ा और वो ऑन कैमरा रोने लगे।
उनके उनके परिवार को इस पर पूरी उनका परिवार तक सामने आया और मीडिया में कई खबरें चली, आपने देखा भी होगा किसी अन्य जगह पर। तो इस तरह से पूरा यह मामला हुआ। लेकिन यहां एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि जब श्रीनिवास वनगा के साथ इस तरह से खेला हुआ है, तब उनके साथ में उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर खड़े होकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक समझ का अच्छा प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे ने अपने पालघर जिला प्रमुख को तुरंत आदेश दिया कि जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही है कि श्रीनिवास वनगा जो है वो आहत है और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जाओ उनकी कुशल क्षेम पूछो। हालांकि हमने इस बारे में शिवसेना पालघर जिला प्रमुख से बात की तो उन्होंने बोला कोई राजनीति का एक विषय नहीं था, वो हमारे सदस्य थे और उद्धव ठाकरे साहब ने ही उनको मौका दिया था, वो उनके मौके देने पर ही विधानसभा में पहुंचे थे। तो भले ही वो दूसरा पाला चेंज करके चले गए, लेकिन हम मानवता के तौर पर उनसे मिलने गए थे, उनका ये स्टेटमेंट था। लेकिन तब भी राजनीति में एन समय पर, एन चुनाव के समय पर इस तरह की गतिविधियां तो आखिर लोग गौर करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में कहा, एक सांसद की वजह से एक विधायक रोने लगे। अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। पर अब श्रीनिवास वनगा को भी ये भली भांति समझ आ गई है कि किसी के साथ धोखा करने का क्या नतीजा होता है। अगर वो तब उद्धव ठाकरे के साथ बने रहते तो शायद उनके साथ भी धोखा न होता, उनको ऐसा लग रहा है। उन्होंने बकायदा उद्धव गुट से जाहिर माफी भी मांगी। तो कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा दिलचस्प राजनीति हो रही है। खैर, हमारी खबर आपको कैसे लगी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। और जाते जाते इस वीडियो के अगले पार्ट में जरा सुनिए धर्मपत्नी का क्या कुछ कहना था। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माजी मिस्टर श्रीनिवास वनगा हे त्यांच्या पालघर विधानसभेमध्ये काम व्यवस्थित करत होते, फक्त ते प्रसिद्धी नव्हते करत, परंतु त्यांना असं वाटलेले की मला उमेदवारी मिळेल ह्या नात्याने ते इकडे बांधणी करत होते आणि त्यांचं काम व्यवस्थित प्रामाणिक आणि एकनिष्ठ राहिले। ज्यावेळेस ते माझ्या मुलाचा वाढदिवस होता 20 तारखेला, तेव्हा ते तिकडे गेले, त्यांना सांगितलं आणि त्यांना शब्द पण दिलेला होता की तुम्हाला आम्ही परत हे घरी नाही बसवणार, तुम्हाला परत आम्ही तुमच्यासाठी आहोत तसं, परंतु तो शब्द पाळला नाही आणि कालपासून ते जेवतच नाही, काय बोलत पण नाही, वेड्यासारखे वागतात, आत्महत्या करणार असंच बोलतात की माझं आयुष्य संपून गेलं। ज्या माणसाने मला देव मानत होते उद्धव साहेब, त्यांच्यासारखे नाव घेतात आणि सांगतात की माझं चुकी झालं, मी शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवला, त्यांनी मला शब्द दिलेला, 39 आमदारांना त्यांनी पुनर्वसन त्यांचं परत केलं आणि माझ्या मिस्टरांचं काय चुकलं। तर ते काल 2-3 दिवस झाले जेवतच नाही आणि नुसते मरायच्याच गोष्टी दाखवतात, आई समजावते मी सांगते ऐकतच नाही आणि कोणाच्या समोरही नाही येत। त्यांना आधी सांगितलं की तिकडनं देणार, मग तिकडनं नाही, मग डानू विधानसभा देणार होती इकडनं, तर ही पण त्यांचं आजपर्यंत नाव नाही आलं त्याच्यामध्ये आणि त्यामुळे ते फार दुःखी झालेले आहेत, काय ऐकत पण आहे, खोली बंद करून तिकडेच होते, आता उठलेले आहेत पण काय माहिती, जेवत पण नाही आणि डिप्रेशन मध्ये गेलेले आहेत, त्यांचं काय बरं वाईट झालं तर मी कोणाला जबाबदार ठरवू। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।